और निजी अस्पताल में रोजगार देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में उर्गा पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रशेखर पांडे को यूपी जौनपुर के माहुल से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि श्री हॉस्पिटल नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से 970 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और युवाओं को रोजगार दिया गया। युवा नौकरी तो करने लगे मगर उन्हें वेतन नहीं दिया गया। परेशान होकर युवाओं ने पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने तत्काल मामले की जांच की और पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेयरपर्सन वासुदेव गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक चंद्रशेखर पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में 1 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फिलहाल में अभी मामले की जांच की जा रही है। हो सकता है कि पैसों की संख्या बढ़ सकती है। संगठित तरीके से इसको ऑपरेट किया था। सबसे पहले 350 रुपए की डीडी लेते थे कि आपसे परीक्षा कराएंगे परीक्षा शुल्क के नाम पे। फिर 45,000 रुपए की डीडी लेते थे कि इसको कुछ दिन जमा रखेंगे और हॉस्पिटल चला के जो लाभ होगा तो इसको बदले में आपको ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।